स्वागत है सभी आंगनबाड़ी बहनों का एक बार फिर से इस नए वीडियो में। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों, इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को स्मार्टफोन दिया गया होगा, तो स्मार्टफोन देखिए, इसमें आज का न्यूज़ जो बताने वाला हूँ, जो स्मार्टफोन आप लोगों को मिला है उसमें बहुत ज़्यादा खराबी आ रही है। डाटा फीडिंग करने से लेकर जितने भी आप लोग काम कर रही हैं उसमें आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, इसी स्मार्टफोन के लेकर एक न्यूज़ जारी किया गया है, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो स्मार्टफोन दिए गए हैं वो ख़राब होने लगे हैं और डाटा फीडिंग का काम भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आज मैं आप सभी को इस स्मार्टफोन जो लोग वापस कर रहे हैं या उनको स्मार्टफोन जो मिला है वो ज़्यादा ख़राब हो रहा है, उसी के बारे में आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को जानकारी देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक करते हुए स्मार्टफोन वितरण किया गया, मगर वितरण कार्य को ऑनलाइन अपडेट करने की योजना का अब दम निकल रहा है। यानी कि जो वितरण किया गया है स्मार्टफोन सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को, तो उसमें काम करते करते वो मोबाइल अब जवाब देने लगा है, यानी कि उसमें अब बढ़िया ढंग से काम नहीं हो पा रहा है। विभाग की ओर से दिए गए सस्ते फ़ोन तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। तो सभी आंगनबाड़ी बहनों, इस न्यूज़ को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को विभाग की ओर से दबाव दिया जा रहा होगा कि आप लोग पोषण ट्रैकर ऐप में काम कीजिए, अपना जो भी ICDS से संबंधित जो भी जानकारी है अपना पोषण ट्रैकर ऐप में आपको अपलोड करना है। तो उस पोषण ट्रैकर ऐप में अपलोड करते वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो देखिए, ये आपको मैं न्यूज़ दिखा देता हूँ सबसे पहले कि ये न्यूज़ कहाँ की है। तो जैसे कि नैनीताल से ये न्यूज़ आ रही है, जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले 2019 में इन लोगों को आंगनबाड़ी का स्मार्टफोन दिया गया था। पोषण ट्रैकर ऐप या आंगनबाड़ी से जितने भी रिलेटेड काम है उनको करने के लिए, तो देखिए, आइए सारी जानकारी आपको इस वीडियो में नीचे दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से उनको प्रॉब्लम आ रही है, कि कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं उनके फ़ोन में। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग भी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़ में। देखिए, महिला व बाल विभाग की ओर से संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को हाईटेक करते हुए स्मार्टफोन का वितरण किया गया, मगर विभागीय कार्य को ऑनलाइन अपडेट करने की योजना अब दम निकल रहा है। विभाग की ओर से दिए गए सस्ते फ़ोन तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात की शिकायत सुपरवाइज़र से कर रही हैं, लेकिन अभी तक कोई खास प्रगति नहीं दिख रही है। जो आंगनबाड़ी सेविका का मोबाइल ख़राब हो रहा है वो अपने सुपरवाइज़र से खबर भी कर रही हैं, लेकिन उनका अभी कोई असर नहीं दिख रहा है। वो बात आगे तक नहीं ले जा रहे हैं जो कि इससे इनका हल हो सके। नैनीताल जिले के 1446 आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्मार्टफोन का वितरण 2019 में किया गया। करीब 5000 रुपये की कीमत का यह मोबाइल फ़ोन तेज़ी से ख़राब हो रहा है। 2 साल का वक्त पूरा होने के साथ ही स्मार्टफोन हैंग कर रहे हैं। अभी तो 2 साल भी नहीं पूरे हुए हैं जबकि स्मार्टफोन हैंग करने लगा है, बार बार फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। ऐसे में आंगनबाड़ी ऑनलाइन ऐप पर काम करते समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बार बार एक ही डाटा अपलोड करना पड़ रहा है, जिससे दैनिक कार्य पिछड़ता जा रहा है। तो जैसे कि आप किसी का मोबाइल जैसे कि हैंग हो रहा है, स्विच ऑफ हो जा रहा है, तो उस समय जो आंगनबाड़ी का कार्य होता है वो सौ समय पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को शिकायत की है, कि जबकि जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट का कहना है कि उनके पास अभी तक कोई शिकायत ही नहीं आई है। तो देखिए, अभी तक ये बात अधिकारियों तक नहीं पहुंची है कि ऐसा समस्याएं हो रही हैं, सभी आंगनबाड़ी बहनों को किस प्रकार से समस्याएं आ रही है। तो जैसे कि केस वन में है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रेखा ने बताया कि कार्य शुरू करते ही फ़ोन हैंग होने लगता है, कई बार अपने आप डिस्प्ले ब्लैक हो जाता है जिससे फ़ोन रीस्टार्ट करना पड़ जाता है। केस टू में देखिए क्या क्या समस्याएं हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शांति ने बताया कि फ़ोन तेज़ी से हीट होता है और बंद हो जाता है, इस संबंध में उन्होंने सुपरवाइज़र से भी शिकायत की है। केस थ्री में देखिए एक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो सीता ने बताया कि फ़ोन बहुत पहले ही ख़राब हो गया है, जिससे पर्सनल फ़ोन से कार्य कर रहे हैं। तो जो फ़ोन दिया गया है वो फ़ोन ख़राब हो जाने के कारण जो उनके घर में पर्सनल मोबाइल है उन मोबाइल में वो आंगनबाड़ी का कार्य पर्सनल यूज़ से कर रही हैं। तो जो ऊपर के आला अधिकारी हैं, जानिए क्या कहते हैं जिम्मेदार। तो देखिए, उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रदेश
उपाध्यक्ष शशि भाकुनी ने बताया कि शासन से जो फोन उपलब्ध कराए गए थे वह खराब हो गए हैं, फिर भी ऑनलाइन कार्य करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। जो मोबाइल फ़ोन खराब हो गए हैं फिर भी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनको जो ऑनलाइन काम करना है वो किसी भी हाल में किया जाना है। तो महिला एवं बाल विकास विभाग नैनीताल की जिला कार्यक्रम अधिकारी अनुलेखा बिष्ट ने बताया कि फ़ोन ख़राब है तो उसकी जानकारी CDPO के कार्यालय में दर्ज कराई जाए। रिचार्ज के लिए हर माह 200 रुपये दिए जा रहे थे, जबकि दिसंबर 2020 के बाद से रिचार्ज का बजट नहीं मिला है। तो जो उत्तरांचल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास स्मार्टफोन है लेकिन उनका मोबाइल हैंग हो रहा है और बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको इस न्यूज़ के माध्यम से दिखाया कि जितने भी आंगनबाड़ी सेविका हैं उनको अब काम करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको जो स्मार्टफोन दिया गया है जिससे कि उनका काम आसानी से नहीं हो पा रहा है, ख़राब हो चुके हैं, या तो वो हीट हो रहे हैं या फिर उनके जो कार्य हैं वो पोषण ट्रैकर से रिलेटेड हो या और भी ICDS से रिलेटेड कोई भी कार्य हो वो नहीं हो पा रहे हैं। तो आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अन्य सेविकाओं के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।